कभी कभार ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पर्सनल काम बोल रहा हूँ। अरे अगर सेंट्रल स्कूल बन जाएगा कुड़दार में तो क्या हरक सिंह के बच्चे पढ़ेंगे वहां? अगर वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता, मैं दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज बनाया, सारे लोग विरोध कर रहे थे क्यों मेडिकल कॉलेज बना रहे हो। आज कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक देखिए, मेरी खुद मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं को जो पूरा देश चला रहे हैं, एक मनगणत सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर, और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत नीति। कई बार मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, छात्र रहा हूँ, और कई बार बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े शासकों से ऐसी गलती होती है जो गलती उनके विनाश के लिए बन जाती है। तो मुझे लगता है कि केवल सोशल मीडिया पे, मैं दिल प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था, और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, मैं राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मुझे, मैं एक चीज जो आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है, बहुत बार मंत्री रह गया हूं। 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। वैसे तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। मुझे कभी कभार ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पर्सनल काम बोल रहा हूं, अरे अगर सेंट्रल स्कूल बन जाएगा कुड़दार में तो क्या हरक सिंह के बच्चे पढ़ेंगे वहां? अगर वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता, मैं दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज बनाया, सारे लोग विरोध कर रहे थे क्यों मेडिकल कॉलेज बना रहे हो। आज कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक फायदा दिया है। मैंने मायावती के समय में 3 जिले 4 जिले बनाए, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला बनाया, उसके बाद कोई जिला नहीं बना उत्तराखंड में। तो क्यों, मैं अपने लिए काम किया क्या? मैंने 7 तहसीलें बनाई उस समय मायावती के बहन जी के साथ रह के, ऋषिकेश, विकास नगर, श्रीनगर, घनसाली, कपकोट, गैरसैंण और पोखरी तहसील बनाई। हम पिछले 5 साल में नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए। मैं लड़ता रहा कि उपनल के 22,000 कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय वेतन मिलना चाहिए। मैं भाई, ये उत्तराखंड हमने कोई नेताओं को रोजगार देने के लिए बनाया क्या? क्या उत्तराखंड में क्या आईएएस और आईपीएस को और सीनियर अफसर को रोजगार देने के लिए बनाया? ऐसा लग रहा है कि 14-15 आईएएस चलाते थे प्रदेश को, आज उत्तराखंड को आज 100-150 की फौज हो गई, 100-150 आईपीएस है, उन पर कोई काम नहीं है। मैंने वन मंत्री के रूप में एक दिन सारे अब्बल सीनियर आईपीएस अफसर से कहा, तुम पे, मैंने कहा राज्य सरकार 10 लाख रुपए खर्च कर रही है सीनियर आईपीएस अफसर पे, मैंने दिल पे हाथ रखे को कि तुम 100 रुपए का काम भी महीने में करते हो क्या? कोई काम नहीं उनके पास। क्या इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया क्या? इसलिए हमने नारा लगाया था कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या सोच है, और कैसा पार्टी भाजपा हाईकमान, मतलब कैसे लोगों को प्रदेश में नेतृत्व दे रही है। आप सोच नहीं सकते हैं कि जो देश चला रहे हैं जो लोग, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तो सर, आप इसे बीजेपी नेतृत्व की गलती मानते हैं? बिल्कुल, आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में, लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को,
मैंने उस वायदे को मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को बात कह दी वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। ये मैं व्यक्तिगत किसी मजदूर को भी मैंने कह दिया कि मैं तेरा एक काम करूंगा, मैं सारी राजनीति उसके लिए दांव पे लगा देता हूं लेकिन उसका वो काम करा के छोड़ता हूं। मैं किसी को झूठा आश्वासन देता नहीं, आश्वासन दे दिया अपनी सारी जिंदगी भर कमाई को भी, जिंदगी भर के राजनीति को दांव पे लगा देता हूं उस चीज के लिए। अगर मैंने देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। लेकिन कैसे ये लोग इतना आज सोशल मीडिया के फर्जी समाचारों पर कोई किसी का अंकुश है क्या, कोई भी कुछ चला देता है। अरे मैं दिल्ली आ रहा हूं, आपने मुझे दिल्ली बुलाया, प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं अमित शाह से समय मांग रहा था मिलने के लिए, आज मैं उनसे मिलता। सर बीजेपी का अब अपना मुंह छिपाने के लिए क्या करें कि वो दो टिकट मांग रहे। अरे आपने पिछली बार यशपाल आर्य सजीव आर्य को टिकट नहीं दिया क्या, कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? क्या आपने जो है उसको टिकट नहीं दिया क्या, आपने राणा सिंह जी और उनका लड़का नहीं है एमएलए, क्या कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? जो सिद्धांतों की राजनीति कर रहा हो जो व्यक्ति है वो दूसरों को सिद्धांत समझाया क्या? सर बीजेपी का कहना ये है कि अटकलें थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने, कोई देखिए गोदयाल जी का फोन आया, कई बार आया और मैंने कहा प्रहलाद जोशी से, प्रीतम सिंह जी जो लीड अपोजिशन है मेरे भाई हैं, उनका फोन आया। जब मैं कांग्रेस में था मैं भाजपा के लोगों काम नहीं करता था, माने शिवपुकार जी शिशु मंदिर रानीखेत का शिशु मंदिर का काम था, मेरे पास आया मैंने किया काम। मैं विकास के मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सोचता हूं। अब माना क्या कांग्रेस के किसी नेताओं को फोन आएगा, और मैं इनसे कह भी देता था कि भाई वो गणेश गोदयाल जी का फोन आया था, प्रीतम भाई का फोन आया था, लेकिन इसको थोड़ी कि किसी का फोन आ रहा तो मैं सम्मिलित हो गया, मैं दूध पीता हूं बच्चा हूं क्या? मैं निर्णय खुद लूंगा ना, खुद निर्णय लूंगा ना। और आप बाघ आया और आपने छलांग लगा दी कि हरक सिंह कांग्रेस में जा रहा कौन? मैं तो कभी मतलब कल ये समाचार में सुने, मैं खुद देख रहा था मीडिया में कि 10 जनपद पहुंचे हरक सिंह, आप मुझे यहां देख रहे ना? अभी जब मैं सो के उठाऊ मैं तो चैन से सोया आज रात को, भले देर से सोया लेकिन चैन से सोया, क्यों मेरा इतना बोझ हल्का हो गया। मैं आज इतना खुश हूं, मैं उस केदार बाबा का, बद्री केदार को, ताड़केश्वर महादेव को, सिद्धौली बाबा के चरणों में, धारी माँ के चरणों में बहुत प्रणाम कर रहा हूं कि इनको भगवान ने, इन भाजपा के लोगों को, नेता को ऐसी कुबुद्धि दे दी आपने, और आज मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से उत्तराखंड का कोई भला होने वाला है। सर क्या आप अपनी पुत्र वधू अनुकृति के लिए जो टिकट मांग रहे थे उस कारण कोई नहीं? देखिए ये अब ऐसा ना, मैंने कहा ना कि अपनी कमी को छिपाने के लिए इनसे गलती हो गई, इन्होंने सोचा मैं सचमुच कांग्रेस में जा रहा हूँ, इन्होंने मनगणन खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे, क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना? अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ, मैं ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना, हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पला जो सिर्फ इतना चार दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, अब मैं अमित शाह जी से, नरेंद्र जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। सर विधानसभा चुनाव ये जो 2022 का, इसकी हवा क्या आपने पढ़ ली है? कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में अच्छा रिजल्ट देगी। कहां से आएगी ऐसी बुद्धि, आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल नहीं? मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूं, इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं, घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूँ। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर, क्या है? मेरा मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या उत्तराखंड? मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। देखिए सर किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हैं? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत,
तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।